अगर नहीं बहाली देना है तो सारे बीएड कॉलेज बंद करवा दे, एक सुनिश्चित तिथि तय करे, नहीं तो हम महिलाएं आमरण अनशन करेंगी। और जब तक कि मतलब जल्द से जल्द हम लोग को कुछ मतलब लिखित विभाग से जारी लेटर किया जाए, आश्वासन से अब काम नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। गर्दनीबाग धरना स्थल पे हैं और आज दूसरा दिन है सीटेट बीटेट के अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन का। कुछ महिला अभ्यर्थी, उनसे बात करेंगे, जानेंगे। दूसरा दिन हो गया है लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के कोई नेता नहीं आए मिलने, क्या कहिएगा? दूसरा दिन हो गया आप लोगों का धरना प्रदर्शन का, कोई सत्ता के मंत्री हो या फिर नेता हो, नहीं मिलने आए? सर, हम लोग दो दिन से बैठे हुए हैं सीतामढ़ी से, भूखे प्यास से बैठे हुए, लेकिन आज तक हम लोग का कोई आश्वासन ही नहीं मिला है और न ही कोई लोग मिलने आए हैं। हम लोग यही उन लोग से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि हम लोग को बात की सुनवाई की जाए, हम लोग का 7वें चरण की विज्ञप्ति जल्द जारी की जाए, क्योंकि हम लोग का कोई आश्वासन नहीं चाहिए, आश्वासन सुनना हम लोग को नहीं है, क्योंकि 3 साल से यही आश्वासन मिल रहा है कि शीघ्र होगा, अति शीघ्र, लेकिन कोई बहाली नहीं आ रही है। किस गहरी नींद में सरकार सोई हुई है उनको मैं जगाना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग का अधिकार दे, हम लोग का हक दिए। अगर नहीं बहाली देना है तो सारे बीएड कॉलेज बंद करवा दे, सीटेट एग्जाम ही बंद करवा दे। क्यों एग्जाम लेती है, क्यों बीएड करवाती है? क्योंकि उनसे फायदा है। अगर हम लोग जब पढ़े लिखे रोजगार बेरोजगार है, रोड पर बैठे हुए हैं और बिना पढ़े लिखे जॉब कर रहे हैं, हम लोग क्यों पढ़ेंगे लिखे? एक तरफ कहते बेटी बचा बेटी पढ़ा, एक तरफ कहते बेटी को रोड पे ला, ऐसा मुझे नहीं चाहिए। मार्च के प्रथम सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी हो। बिल्कुल बिल्कुल, देख सकते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रूबी वर्मा हुआ, मैं भी काफी दूर से कल से यहाँ। कहाँ से आई हैं आप? मैं बांका जिला से आई हूँ। दूसरा दिन हो गया धरना प्रदर्शन का, सदन में भी आप लोगों का आवाज उठाया, लेकिन बिहार सरकार के मंत्री क्यों नहीं ध्यान दे रहे? सर, बिहार सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है कि कल से महिला और पुरुष अभ्यर्थी भूखे प्यासे आमरण अनशन पर बैठे, जब तक बिहार सरकार और हमारे शिक्षा मंत्री 7वें चरण के प्राथमिक विज्ञप्ति को जारी नहीं कर देते हैं या कुछ लिखित आश्वासन नहीं दे देते हैं, हम लोग इसी तरह यूं ही रोड पे बैठे रहेंगे। और बिहार सरकार क्या कहती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? क्या बेटियां पढ़कर इसी दिन के लिए रोड पे बैठे, इसी दिन के लिए पढ़ाई की थी कि कल के डेट में उनको रोड पर बैठना पड़ेगा? क्या बेटियां जीवन भर आत्मनिर्भर न होकर के पराधीन ही जीवन गुजारेंगी? क्या यही सरकार की नीति है? क्या सरकार की नीति कागजों में ही दिखाई देती है? आज सब कोई देखें बिहार की बेटियां कहां रोड पे बैठी हुई हैं। सरकार कम से कम यह संज्ञान ले कि 3 साल से हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, 3 साल से हमारे साथ जो अभ्यर्थी थे वे 6ठे चरण में ज्वाइन कर लिए, लेकिन आज तक हमें कोई उचित समय नहीं दिया गया, तारीख नहीं दिया गया कि हम लोग भी 7वें चरण के जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं वो कम से कम सुकून की जिंदगी जी सके। आखिर कब तक हम लोग यूं ही रोड पे बैठे रहेंगे? कब तक महिलाएं आत्मनिर्भर न होकर पराधीन रहेंगी? सरकार ये संज्ञान ले। मैं सरकार से और शिक्षा मंत्री से यही कहना चाहूंगी कि सरकार एक सुनिश्चित तिथि तय करे, नहीं तो हम महिलाएं आमरण अनशन करेंगी। और जब तक 7वें चरण की विज्ञप्ति जारी नहीं हो जाती है तब तक हम यूं ही भूखे प्यासे आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। आप अपना नाम बताइएगा। जी सर, मेरा नाम दिव्या कुमारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पे निकले हैं, नीतीश कुमार का पटना में आवास है, आप लोग भी पटना में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों पे ध्यान मुख्यमंत्री का नहीं जा रहा है, समाज सुधार निकले, क्या कहिएगा? सर, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, अगर समाज सुधार होता सबसे पहले नीतीश मुख्यमंत्री का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे करके वो मतलब हर जगह पर मतलब बोलते हैं, लेकिन सर आज देख लीजिए बिहार की बेटियां का दुर्भाग्य सर कि हम लोग सड़क पर इतने पढ़ लेकर के 1 से 10+2 के अहर्ता रखते हुए सर हम लोग यहाँ पे क्वालिफाइड स्टूडेंट बैठे हुए हैं। सर, शिक्षा मंत्री का बयान भी आया था, बार बार आता है सर, पेपर में आता है कि हम लोग मार्च के अंतिम सप्ताह में मतलब कि विज्ञप्ति जारी होगा 7th नोटिफिकेशन प्राइमरी के लिए, लेकिन सर हम लोग कल से यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी तक कोई भी मतलब हम लोग का लिखित कोई पूछने वाला भी नहीं आया है कि मतलब किस लिए आप लोग बैठे हैं। सर, आपके माध्यम से मैं सर यही मतलब अपनी बातों को पहुँचाना चाहती हूँ कि मतलब जल्द से जल्द हम लोग को कुछ मतलब लिखित विभाग से जारी लेटर किया जाए, आश्वासन से अब काम नहीं चलाएगा। सर, बिल्कुल देख सकते हैं, जल्द से जल्द लिखित लेटर जारी किया जाए, आश्वासन से काम नहीं चलेगा। आज दूसरा दिन है बीटेट सीटेट अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन का, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। नीतीश कुमार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ने के बाद ऐसे धरना प्रदर्शन पर बैठना पड़ रहा है बेटियों का, कहीं ना कहीं यह भी बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री जहाँ नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, कहीं ना कहीं ये नारा उनका
फेल दिख रहा है। क्या कुछ कह रहे थे बीटेड सीटेट के महिला अभ्यर्थी, आपने सुना है। अब देखना ये होगा कि कब तक इनको नौकरी मिलती है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।